वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब कोई भी गोवा आता है तो सबसे मेन दिक्कत क्या आती है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। एंड वो भी बहुत इजीली, कन्वीनियंस कैसे मिले इजीली, एक जगह से दूसरी जगह जाया कैसे जाए, मेन प्रॉब्लम्स यहाँ आती हैं, राइट। तो हम लोग वेरियस ऑप्शंस आज डिस्कस करने वाले हैं कि गोवा में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो यहाँ जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बीचेस, चर्चेस एंड बहुत सारे लेविश नेचुरल प्लेसेस, उनको विजिट कैसे किया जाए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन वन, रेंटल बाइक्स। दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर टू पर्सन्स बेसिकली, एंड जो ग्रुप्स में आ रहे हैं वो एक बाइक पे दो जने सवार होके चल सकते हैं कहीं पर भी, ऑल ओवर गोवा। दे आर फ्री ऑल ओवर, कोई ट्रैफिक नहीं रोकेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, बस आपके साथ अपने पेपर्स यानी कि लाइसेंस आपको अपने पास कैरी करना है। एंड जब भी आप रेंट से लेंगे बाइक, उसको एक अपना आधार या पैन कार्ड आपको देना ही पड़ेगा, दे विल कीप, ओके। एंड द जो चार्जेस हैं पर डे इज़ 300 to 350 इज़ द स्टैंडर्ड। अगर आप टॉप सीजन्स में आए तो दे विल चार्ज 1000 to 1500 एट द टॉपेस्ट, मीन्स क्रिसमस और द न्यू टाइम, राइट। द सेकेंड ऑप्शन इज द सेम, रेंटिंग अ कार। दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप साइज में, अगर आप ज़्यादा होके आए हैं, चार लोग सपोज मान के चलिए आए हैं, तो वो आपका बैठेगा 1000 to 1500 to 2000, डिपेंड्स ऑन द कार वेराइटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप i10 ले रहे हैं या वैगनार ले रहे हैं, तो दैट विल कॉस्ट अराउंड 800 1000। थोड़ा आपको कन्विंस भी करना पड़ेगा रेंट ओनर से, राइट। तो आपको 800 से 1000 में आपको वैगनार एंड i10 वगैरह मिल जाएगी। इससे ऊपर जाएंगे i10, i20 वगैरह जा रहे हैं, बलिनो जा रहे हैं, तो इट विल कॉस्ट 1500 पर डे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में सेम, आपको एक लाइसेंस कैरी करना है अपने पास, एंड आधार या तो पैन कार्ड या तो वोटर आईडी कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड कुछ एडवांस भी ये लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार के लिए वो लोग 5000 लेंगे, एंड अगर आप बाइक प्रेफर कर रहे हैं तो दे विल चार्ज 500 to 1000 rupees। दैट डिपेंड्स ऑन द योर डिस्कशन विद द रेंटल पर्सन, राइट। ऑप्शन थर्ड, अगर आपको बाइक चलाने का मूड नहीं है तो वी हैव अ फैसिलिटी इन गोवा कि आपको एक पायलट मिलेगा। अब पायलट की पहचान कैसे करनी है, उसकी जो बाइक होगी या स्कूटर या जो कुछ भी होगा, मडगार्ड उसका येलो होगा, ही वुड बी वेयरिंग अ येलो हेलमेट ऑल्सो, तो आप समझ जाइएगा ये पायलट है। एंड आपको ये कहीं पर भी ड्रॉप आउट कर देगा विद इन अ रेंज ऑफ 100। मान के चले आप सिंगल आएँ और पंजिम से एयरपोर्ट जाना चाह रहे हैं, तो इट विल कॉस्ट ओनली 150 rupees, है ना, वेरी इकोनॉमिकल, वेरी बजटिंग। तो अगर सिंगल पर्सन है, आपको कहीं भी ट्रैवल करना गोवा में, तो आप प्रेफर कीजिए पायलट। दे आर रेडीली अवेलेबल, कहीं पर भी मिल जाते हैं, किसी भी सिटी के मिल जाएगा। आप गूगल भी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ स्टैंड ये लोग करते हैं, एंड उनके बहुत सारे स्टॉप्स भी होते हैं, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर, तो द लास्ट ऑप्शन इन बजट ट्रांसपोर्ट इन गोवा इज बसेस। बसेस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर द टूरिस्ट, लेकिन टूरिस्ट कोई प्रेफर नहीं करता। बट ये कनेक्टिविटी इतनी प्यारी है गोवा में कि आपको हर एक एरिया कवर करके देता है। एंड मेन पंजिम से जो मेन स्टेशन है, वहाँ से हर एक एरिया के लिए कनेक्टिविटी है। एंड द चार्जेस आर टू इकोनॉमिकल। इफ़ यू ट्रेवल फॉर 20 kilometers मान के चलिए, दे विल चार्ज ओनली ₹10 or 20। तो आप देख लो कितना कन्वीनियंट है। मान के चलिए आपको पंजिम से एयरपोर्ट जाना है, दे विल चार्ज ओनली ₹40। आपको पंजिम से मडगांव जाना है, दे विल चार्ज ओनली 45। शटल वो भी केवल एक घंटे में पहुँचा देगी। तो द कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन बाय द गोवा स्टेट गवर्नमेंट इज वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी ईजी टू पेनिट्रेट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द गोवा। तो जब भी गोवा आए, ये चार ऑप्शंस लेके चलें दिमाग में, एंड सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत हैवी टैक्सी करके आप कहीं घूमें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
एंड आगे वीडियो के लिए प्रेस बेल।